A leading local news channel of Vadodara. आयुर्वेद द्वारा डायबिटीज नी सारवार अंगे जापी जनरल फिजिशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ए माधवबागना संशोधन पत्र ने मान्यता आपी छे। आयुर्वेद में आपेली पंचकर्म पद्धति की मदद थी टाइप 2 डायबिटीज ने संपूर्णपणे मटाड़ी शकाय छे। माधवबागना घणा दर्दीए डायबिटीज पर काबू मेळव्यो छे अने 3-4 वर्ष पछी पण तेमना शरीर में ब्लड शुगर नॉर्मल छे अने तेओ दवाओ विना जीवन जीवी रह्या छे। माधवबागे आयुर्वेद की पंचकर्म पद्धति द्वारा करेल आ संशोधन ने जनरल फिजिशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में प्रकाशित करेलू छे। विश्व डायाबिटीस दिवस निमित्ते आजे एक पत्रकार परिषद ने योजवामां आवी हती, जेने संबोधित करता माधवबागना मुंबई स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड डॉक्टर राहुल मंडोले माहिती आपता जणाव्युं हतुं के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुजब भारत ने डायाबिटीस ना कैपिटल तरीके ओळखवामां आवे छे। देश में डायाबिटीस मोटी संख्या में फैलाई रह्यो छे। आजे दरेक घर में ओछा में ओछो एक डायाबिटीस नो दर्दी जोवा मळे छे। वडी समाज में एवी मान्यता प्रवर्ते छे के एकवार डायाबिटीस थई जाय पछी ते क्यारेय मटी शकतुं नथी। तमे डायाबिटीस ने फक्त नियंत्रण में राखी शको छो अने आ माटे तमारे आजीवन दवाओ अथवा इन्स्युलिन लेवानी जरूर पड़े छे। एज रीते डायाबिटीस ने कारण उभी थती गंभीर बीमारी जेम के हृदय रोग नो हुमलो, किडनी नी फेल्युअर, आँखें ओछू देखाव वगैरह नो सामनो मात्र 40 वर्ष के तेथी वधु वयना लोको ज नहीं परंतु 30 वर्ष थी ओछी वयना युवा वर्ग पण करी रह्या छे। तेनुं एक महत्वनुं कारण बदलायेली अने अयोग्य जीवनशैली अने डायाबिटीस ना रोग अंगेनी अधूरी माहिती छे। आ विषयमां डॉक्टर राहुल मंडोले એ માર્ગદર્શન આપ્યું છે। સાથે જ માધવબાગના ઝોનલ મેડિકલ હેડ ડોક્ટર સાદિક ખાને સ્પષ્ટતા કરી છે કે આયુર્વેદ પંચકર્મ પદ્ધતિ એ ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે સંજીવની છે। ડાયાબિટીસ એટલે જિંદગીભર દવાઓ ખાવી પડશે અને ઇન્સ્યુલિન પર ડિપેન્ડન્ટ રહેવું પડશે એ ખોટી માન્યતામાંથી બહાર આવવું જોઈએ અને ડાયાબિટીસ ચોક્કસપણે રિવર્સ થઈ શકે છે। માધવબાગે પુરવાર કર્યું છે અને આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સ એટલે એ પુરવાર થયું છે અને રિસર્ચ પેપરમાં એ સાબિત કરી બતાવ્યું છે। એના માટે આજે આપણે ભેગા થયા છીએ। આજ સુધી મારા સેન્ટરની વાત કરું તો ટોટલ 5 સેન્ટર છે માધવબાગના, પણ મારા સેન્ટરની વાત કરું તો 50થી વધારે દર્દીઓને મેં ડાયાબિટીસ રિવર્સ કરવામાં મદદ કરી છે। અંદાજિત 40-50 હજારનું પેક હોય છે, પણ ડિપેન્ડ ઓન પેશન્ટ કે પેશન્ટ કઈ પ્રકૃતિનું છે, તો એનું અગર સારું સ્થિતિ છે, બીએમઆઈ અગર એનું સારું છે, તો ખૂબ નહિવત ખર્ચામાં એની સારવાર થઈ શકે છે। 90 દિવસની બહુ ઓછા સમયા સુધીમાં પેશન્ટનું ડાયાબિટીસ અમે રિવર્સ કરતા હોઈએ છીએ અને જો પેશન્ટ સારું ફોલો કરશે તો એનાથી પણ ઓછા સમયમાં એનું ડાયાબિટીસ રિવર્સ થઈ શકે છે। ડૉક્ટર કૃપા છાત્રોડિયા, ક્લિનિક હેડ, વીઆઈપી રોડ બ્રાન્ચ, માધવબાગ। जी, आज हमने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इसके पीछे का बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो जिसके बारे में एक थॉट है कि ये ज़िंदगी में ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी, दवाइयाँ गोलियाँ चलती रहेगी, हॉस्पिटल के खर्चे चलते रहेंगे और ये हॉस्पिटल के खर्चों में कोई कम नहीं होगा। तो डेफिनेटली आगे जाके ये डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए जो आयुर्वेद में कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे उनको यूज़ करते हुए माधवबाग ने अभी जो डायबिटीज़ रिवर्सल का जो अपना पंचकर्म डाइट मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का जो कैंपेन रन किया था उसमें जो सक्सेस मिला वो सक्सेस में हमने देखा कि हमारे डायबिटिक रुग्ण जो है टाइप 2 डायबिटिक रुग्ण उनका डिसीज़ पूरी तरीके से जाता है और ना कि सिर्फ जाता है तो 3 महीने में जो पेशेंट करेक्ट हुए थे डायबिटीज़ जिनका GTT निगेटिव आया है तो ऐसे रुग्णों में 1 साल के बाद भी उनका डायबिटीज़ जो है 92% रुग्ण आज भी डायबिटीज़ में निगेटिव है, GTT निगेटिव है। तो ये जो हमारा सारे साइंटिफिक एविडेंस है वो जर्नल एसोसिएशन फिजिशियंस ऑफ इंडिया जापी ने इसको एक्सेप्टेंस दिया है और मंथ ऑफ सेप्टेम्बर में इसको पब्लिश भी किया था। तो आयुर्वेद से साइंस फैक्ट हम लोग बाहर निकाल के जो साइंटिफिक काम कर रहे हैं वो काम समाज के सामने आए, इसके लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा था। मैं डॉक्टर राहुल मंडोले, माधवबाग, रिसर्च हेड, मुंबई।